फिंगेश्वर के ग्राम बौरसी से विवाहित महिला सहित दो नाबालिग लड़कियों के घर से बिना बताए कहीं चले जाने को लेकर पीड़ित पिता खासे परेशान हैं। मामले को लेकर फिंगेश्वर थाने में लिखित में शिकायत कर जांच कार्यवाही करने गुहार लगाई है। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम बौरसी निवासी पोखराज निषाद ने अपनी बड़ी बेटी रितु निषाद उम्र 36 वर्ष का विवाह फिंगेश्वर टिकरापारा निवासी केशव निषाद के साथ किया था। शादी के कुछ दिन बाद साल 2020 में 2 मार्च को अपने घर से अस्पताल दवाई लेने जाने की बात कहकर अपने 5 साल के बेटे को घर में छोड़कर रितु निषाद के चले जाने के उपरांत आज तक घर वापस नहीं लौटी। वहीं ठीक 1 साल बाद साल 2021 में उसके गृहग्राम बौरसी से उनके दोनों सगे बहन भगवती निषाद उम्र 20 वर्ष गायत्री निषाद उम्र 15 वर्ष 19 अप्रैल से बिना बताए घर से दोनों बहनें एक साथ नदारत हो गए। पीड़ित पिता पोखराज निषाद ने आसपास परिजनों से खोजबीन करने उपरांत 24 अप्रैल 2021 को फिंगेश्वर थाने में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच कर नाबालिग लड़कियों की खोजबीन करने पुलिस से गुहार लगाए। बावजूद आज तक पुलिस की पकड़ से नाबालिग बाहर है। पत्नी की मौत के अकेले अपने नाबालिग बेटे के साथ रोजी मजदूरी कर जीवन यापन कर पोखराज निषाद आर्थिक तंगी के बीच मजबूरी से जीवन यापन कर अपने तीनों बेटियों की लापता होने का दर्द का बोझ लिए स्थानीय थाने सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यवाही की मांग की गुहार लगाते हुए अपनी बेटियों की तलाश की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में फिंगेश्वर पुलिस को गुम हुई भगवती निषाद के द्वारा हरियाणा के सरकारी उचित मूल्य की दुकान से राशन का चावल आधार कार्ड से लिए जाने के पुख्ता सबूत मिले जाने पर पुलिस टीम दल बल मौके पर पहुंचकर आगे जांच कार्यवाही की बात कही है। हालांकि पोखराज निषाद के द्वारा अपने तीनों लड़कियों के गुम होने के थाने में शिकायत दर्ज किए जाने के बाद आज तक सार्थक पहल नहीं किए जाने पर उन्होंने गरियाबंद जिले में प्रदेश के मुखिया की संभावित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिकायत किए जाने की बात भी कही है। लड़की ला फिंगेश्वर में ससुराल भेज रहे हैं और ससुराल भेज रहे हैं तो वो लड़की है कोरोना काल से बाहर निकल गए और बाहर निकले के बाद मोर भाई और मोर दो लड़की लड़का साथ में रखो और उसके बाद 1.5 साल के बाद मोर दो लड़की और आए जीवन यापन करता हूँ। पुलिस मन कर जाता तो मुझे धमकी चमकी लगाते है। कहाँ कहाँ शिकायत किया आप? मैं थाना में शिकायत किया हूँ, फिंगेश्वर थाना में। और जान शिकायत करे के बाद थाना वाला मन कुछ नहीं करे थे। ओकर बाद 1.5 साल के बाद मेरे चावल को उठाया है और चावल के रसीद दिए हूँ। लड़की मन कहाँ सुटा है चावल? बाहर से उठा है मन। अच्छा, जो ये मिले भैया यहाँ से यहाँ से वहाँ से मिले है। अभी कहाँ चाहते हो? अभी कहाँ चाहते हो? अभी कहाँ चाहते हो आप? मन अभी न्याय चाहते हैं क्या चाहते हैं? हाँ, नहीं, मैं मेरे लड़की लोग तीनों के लड़की नाम से मैं परेशान हूँ। इस लड़की को थाने वाले लोग नहीं ला रहा है। चलो ठीक, मैं परेशान हूँ मेरे लड़का के साथ में। चलो, रोजी मजदूरी करता हूँ, गिट्टी छोड़कर जीता हूँ भाई। कोरोना टाइम से निकल गए, गोली ले जात हूँ गोली से मेडिकल, और वो पैसा भी सदर के निकली से आज तक पता नहीं चले। रिपोर्ट भी करे सर तुरंत निकली था 2 तारीख के। 2 तारीख कौन सा साल? वही सोमवार के दिन हरे 2021 में। हाँ, सोमवार के दो तो शाम तक यहाँ पता लगा ससुराल में नहीं आए। बोले तो रिपोर्ट करे हो सर, तब थाना कचहरी जाता हूँ तब बोले नहीं है, पता चल नहीं चले है इसे की बोलते। कलेक्टर ऑफिस भी गए रहे, बच्चल धर के अपन छोटे से, और लॉकडाउन में बहुत भी खोजे हो भाई, मैं बहुत दूर दूर गए हूँ पैदल, आज तक पता नहीं चले। थाना वाना में जावे तो वही बोलते, देखते क्षण भी बोलते। और वो कौन कौन गए हैं? और कोई क्या भाग नहीं? और 2 जन साली यहाँ से बोरसी से, ओमन है 1.5 साल के बाद ओमन गायब हो गए। अच्छा, बालिक है कि ना बालिक है? बालिक है ओमन सर। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए भैया। बस बात की है, इसमें एक भगवती निषाद है विवाहिता की बेटी और दूसरी गायत्री है जी, जो 24 तारीख को अपने ग्राम बोरसी से गुम होना बताया है, जिसमें 19 तारीख को अपने थाना में
भूमि संरक्षण क्रमांक 2621 कायम कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान इसमें हरियाणा में उनका लोकेशन मिला था, जिसके लिए दिगत प्रांत जाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक महोदय को आवेदन दिया गया है, जिसमें अभी अनुमति प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमति प्राप्त होने पर टीम गठित कर दिगत प्रांत हरियाणा भेजी जाती है, गुमशुदा लोगों की जल्द से जल्द पता तलाश की जाएगी। गरियाबंद जिला ब्यूरो, जितेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट।